नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। सिलीगुड़ी में महानंदा का पानी प्रदूषित पेयजल खरीदने के लिए शहरवासियों की लगी लंबी कतार। सिलीगुड़ी में पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम में माहौल गरमाया। SUCI और CPIM ने मेयर गौतम देव की गाड़ी रोक कर किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी के जलपाई मोड़ के पास दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। सड़क पार करने के दौरान ट्रक से कुचलकर व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। परिवार वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। सिलीगुड़ी के देवीडांगा में युवक के आत्महत्या मामले में प्रधाननगर थाने की पुलिस ने प्रेमिका सहित उसके माँ पिता और बड़ी बहन को आत्महत्या के लिए बाध्य करने के आरोप में किया गिरफ्तार। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर छात्रा की आत्महत्या मामले में आखिरकार पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर लाहा को असम से किया गिरफ्तार। फातापुकुर संलग्न डांगापाड़ा स्थित एक घर में रसोई में लगी आग। रसोई का सारा सामान जलकर राख। परिवार ने प्रशासनिक सहायता की मांग की। खोड़ीबाड़ी में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घटना से इलाके में छाया मातम। अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट ब्लॉक से 14 फीट लंबा अजगर बरामद। अजगर को देख कांप गई लोगों की रूह। बीरपाड़ा में एशियन हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। डंपर और ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर में चालक की मौत। लगातार हो रही भारी बारिश में फालाकाटा ब्लॉक के मुजनाई नदी पर बने बांस का पुलिया बहा। नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 के निवासी परेशान। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।